नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा। उमरान मलिक के बारे में अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 153 किलोमीटर रफ्तार से गेंदबाजी करने वाला उमरान मलिक अब क्रिकेट प्रेमियों के बीच प्रसिद्ध हो गया है। लोग उमरान मलिक को ब्रेट ली और शोएब अख्तर के साथ तुलना करने लगे हैं। ये भी कहने लगे हैं कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे तेज मैदान में उमरान मलिक ब्रेट ली और शोएब अख्तर से आगे निकल जाएंगे, दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज बन जाएंगे। कई पूर्व खिलाड़ियों ने उम्मीद जताया है कि उमरान मलिक का चयन बहुत जल्दी भारतीय टीम में हो सकता है। आज हमारे साथ उमरान मलिक के पिता अब्दुल रशीद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। रशीद साहब, बताइए, जम्मू कश्मीर जैसे जगह में जहां खेल के प्रति रुचि नहीं रहता है, ऐसे में उमरान इतना बड़ा खिलाड़ी कैसे बन गया? सर, इसको शौक था शुरू से क्रिकेट खेलने का। छोटा था तो 4 साल का था, इसको शौक पड़ गया था क्रिकेट खेलने का। मैंने क्रिकेट ही खेलना है जी, तो पढ़ने में भी अच्छा था तो ज्यादा ये फोकस देता था क्रिकेट खेलने में। तो जब स्कूल से आता था तो चला जाता क्रिकेट खेलने के लिए। मैं चला खेलने, फिर खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना इसने, फिर हम इसको जबरदस्ती इसको खाना भी खिलाते थे। इसको इसको जुनून था क्रिकेट खेलने का। अच्छा जी, आप बताए उमरान कब से क्रिकेट खेलना शुरू किया? ये 4 साल का था, छोटा सा था, तब से शुरू हो गया था ये क्रिकेट खेलना। और आपको कब लगा कि ये अच्छा खिलाड़ी बन सकता है? ये बोलता था, पापा एक दिन मैं आपका नाम बनाऊंगा, एक दिन मैं क्रिकेट खेलूंगा और आपका नाम बनाऊंगा क्रिकेट में। मैंने कहा, यार छोड़ तू, क्या गली कूचों में खेलता है, कहां तू क्रिकेट बनेगा, तू अपना पढ़ाई की तरफ तो फोकस दे, अपना पढ़ने की तरफ दे, कोई कहीं तू बन जाएगा कुछ। आप उमरान की कैसे मदद की? जितना होता था हमने किया उसको, किसी चीज की हमने कमी नहीं होने दी। उसको ये नहीं महसूस होने दिया कि मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ लेके नहीं दिया। ऐसा कभी आपके मन में नहीं आया कि उमरान को पढ़ाई करना चाहिए, कहीं दूसरे जगह कैरियर बनाना चाहिए? मैं इसको पढ़ने के लिए भी भेजता था, स्कूल छोड़ के आता था, लेने भी जाता था। ये पढ़ता भी था, अच्छा पढ़ता था, इसको पढ़ने के में बहुत अच्छा था, मगर ज्यादा जोर ये क्रिकेट में देता था। कहता मैंने क्रिकेट ही खेलनी है पापा, तो हमने भी इसको मना नहीं किया क्रिकेट के लिए कभी। आप क्या करते हैं? मैं तो एक सब्जी और फ्रूट का काम करता हूँ, दुकान है मेरी शहीदी चौक में जम्मू में। और कब से ये काम कर रहे हैं आप? सर हो गया कोई 50 साल। 50 साल से आप यही काम कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइए, अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। परिवार बहुत छोटा सी फैमिली है हमारी, दो लड़कियां हैं, एक ये लड़का है सबसे छोटा है, ये ऊपर वाले से मांग के लिया था। तो बड़ी अच्छी फैमिली हमारी, हम बड़े सुख चैन है हमारे घर में, बहुत अच्छे हैं, सब मिलके रहते हैं हम, ऐसी बात कोई नहीं है। तो आप फल बेचते हैं, लेकिन आपको कभी दिक्कत नहीं हुई उमरान को की हर डिमांड को पूरा करने में? नहीं, कभी ऐसा मौका नहीं आया, तो हमने उसकी सारी डिमांडें पूरी की। जिसने जो भी इसने मांगा, बैट मांगा, बाल मांगा, जो भी वर्दी शर्दी जो भी इसने मांगा, हमने इसको लेके दिया। इसकी माँ बहुत बहुत सपोर्ट करती थी, इसकी बहनें दो बड़ी दुआएं करती थी इसके लिए, और बड़ी सपोर्ट करती हैं बहनें इसकी इसके लिए, और माँ इसको बड़ी सपोर्ट करती थी, जो भी मांगता था इसको माँ इसको लेके देती थी। अच्छा, यहाँ तक पहुंचने में उमरान की किसने मदद की? क्या किसी कोच ने उसका टैलेंट को पहचाना? सर ये इधर हमारी एसोसिएशन है जम्मू के, अंडर 19 के ट्रायल देने गया था, तो इधर देखा उन्होंने, सिलेक्टरों ने कि ये अच्छे बॉल डालता है, तो उधर ये अंडर 19 में पहली बार ही सिलेक्ट हुआ। फिर इरफान पठान ये जम्मू कश्मीर के आए वो कोच बन के, तो उन्होंने इसको पहचाना और इसका थोड़ा जो भी जैम्प था जो भी आया था ये, इसको बड़ा कुछ सिखाया उन्होंने, तो उनका बहुत बड़ा रोल है इनमें, उनको इनको आगे पहुंचाने का, और उनसे बहुत सीख मिली इसको पठान के आने से इधर। तो इरफान पठान तो बाद में आए होंगे, लेकिन शुरुआत में किसने मदद की? कोई कोच और उसका मदद किया, कोचिंग दिया? रणधीर सिंह मनास है, ये उनसे कोचिंग लेते थे परेड में। अच्छा, तो आईपीएल में खेलना तो इतना आसान नहीं था, आईपीएल तक पहुंचना भी इतना आसान नहीं था, तो किसने मदद की आईपीएल तक पहुंचने में? सर पहले तो ये समझ गया ना उधर आईपीएल खेलने के लिए, समझ ने इसको लिया नेट बॉलर उधर हैदराबाद में, तो ये नेट बॉलर जाता उधर बॉलिंग कराता था, बड़े बड़े प्लेयरों को बॉलिंग कराता था, तो वो टीट नटराजन है जी, वो कोविड की वजह से बीमार हो गए, तो फिर इनको लास्ट में मौका मिला 2-3 मैच खेलने का, एक मैच खेलने का, तो ऊपर वाले ने इसकी देखो कितनी मदद की है जी, इसको ये बॉल जो डालता है इसको नेचुरली बॉल डालता है, इसको नेचुरली है, ये कभी किसी से इसने सीखा नहीं है, ये ऊपर वाले की देन है, ये अपनी तरफ से ये नेचुरली देन है इसकी, ये जो भी बॉल डालता है नेचुरल डालता है। अच्छा, अब उमरान से आपकी बात होती होगी,
जब फोन पर बात होती है तो क्या कहता है वो? हम उसको तंग नहीं करते हैं, वो जब फ्री होता है वो करता है, हमको मम्मा से भी करता है, पापा से भी करता है, तो अपनी बहनों से भी बात करता है, दो दो बातें करता है, मगर करता जरूर है, बड़ा खुश है वो, हम भी खुश हैं, हमारा बच्चा देखो कितने कितने बड़े खेल रहा है जाके, हमारी फैमिली बहुत खुश है। कभी उसने बोला कि टीम में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है उसे? सारी वो टीम भी अच्छी है, सारे उसको प्यार करते हैं, सब पूरे इंडिया के जो पूरा देश उसको प्यार कर रहा है इसको। जी, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अच्छा जी, नमस्कार।